गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सर? आज हम लेसन 11 करेंगे ईवीएस में, ठीक है। प्लांट्स क्या है? प्लांट्स, प्लांट्स मीन पौधे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पौधे कैसे उगते हैं, ठीक है, उनको किस किस की जरूरत होती है, और वैरायटी ऑफ प्लांट्स मीन्स कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और उनके यूज़ फॉर अस यानी कि हम लोगों के लिए उनके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, टू लर्न पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यहाँ पर हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट, टू लर्न वैरायटी ऑफ प्लांट्स, और सीखेंगे क्या कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। टू लर्न वेरियस यूजेस ऑफ प्लांट्स फॉर मैन, और क्या सीखेंगे कि जो वेरियस मैंने विभिन्न प्रकार के जो यूज होते हैं, अलग अलग यूज होते हैं, ठीक है, हम लोग इंसानों के लिए, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। पिक एंड कलर द थिंग्स दैट प्लांट्स रिक्वायर टू ग्रो, यहाँ पर हमें कितनी सारी चीज दी गई है देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि प्लांट्स को किस चीज की जरूरत होती है ग्रो करने की, ठीक है, उगने के लिए, बढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, ठीक है, किस चीज की रिक्वायर्ड होती है, ओके। तो यहाँ पर सन है, ठीक है, एक तो सन आएगा, ठीक है, और सन की इनकी धूप की जरूरत होती है, सनलाइट की होती है ना, और एक होती है वाटर, इन दो चीज की, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इनमें कलर करना है, ठीक है, और टिक लगाना है। चलिए रीड करते हैं। वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, यानी कि हम लोग अपने आसपास बहुत सारे प्लांट देखते हैं, देखते हैं ना, अलग अलग टाइप के होते हैं, होते हैं, किसी पे कैसे फ्लावर्स आते हैं, किसी पे बीज आते हैं, किसी पे फ्रूट्स आते हैं, होते हैं ना, हाँ जी। लेट अस रीड अबाउट देम, अब हम उनके बारे में रीड करेंगे, ठीक है। यहाँ पढ़ लीजिए, नॉलेज बाय सम प्लांट्स लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स व्हाइल सम लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, ठीक है। कुछ जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सालों तक जीते हैं, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, ठीक है, बट कुछ होते हैं जो फ्यू मंथ्स के लिए, यानी कि कुछ महीने में ही उगते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यहाँ पर हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है, कि प्लांट के पार्ट्स कितने होते हैं, ठीक है, और उनके क्या क्या नाम होते हैं। ऑल प्लांट्स हैव सम बेसिक पार्ट्स लाइक रूट्स स्टेम्स लीव्स फ्लावर्स फ्रूट, ऑल प्लांट्स यानी कि जो ऑल प्लांट्स हैव सम बेसिक, जो सारे प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ ये सभी में होती है ये चीजें, ठीक है, जैसे रूट्स तो सभी में होते हैं, स्टेम भी सभी में होते हैं ना, लीव्स पत्ते सभी में होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, ठीक है। देखिए अब इनका क्या क्या वर्क है, ठीक है, ये क्या क्या काम करते हैं प्लांट के लिए। फर्स्ट देखिए, द रूट्स होल्ड अ प्लांट इन द सॉइल एंड टेक इन न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, क्या करते हैं रूट्स जो होती है, ये है रूट्स, ठीक है, ये बना हुआ है ना पिक्चर, ये देखिए, ये जो नीचे के है ना, ये क्या है, रूट्स हैं, ठीक है, ये देखिए, ये रूट्स बने हुए, ये रूट्स हैं, क्या काम करते हैं मिट्टी में, एक तो जो प्लांट होता है उसको होल्ड में उसको पकड़े रखते हैं, मतलब खड़ा रखते हैं, ठीक है, मजबूती से उसको खड़ा रखते हैं, एंड और उसको क्या देता है, पानी वाटर, ठीक है, और उसको न्यूट्रिएंट्स मीन जो भी उसको पोषण की जरूरत होती है प्लांट, ठीक है, वह सब कहाँ से मिलता है, रूट्स से, ठीक है। हम पानी देते हैं ना इसीलिए वो ग्रो होता है, हम पानी देते हैं ना पौधों में इसीलिए वो ग्रो होता है, उसमें फ्लावर्स आते हैं,
फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। सेकंड है द स्टेम, द स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट अबव द ग्राउंड। और जो स्टेम होता है, स्टेम ये होता है, ये देखिए ये सीधा जो जा रहा है ना ऐसे, ये क्या है, स्टेम है, ठीक है, ऐसे ये स्टेम है। ये क्या करता है, उसको सीधे खड़े रखने में उसकी हेल्प करता है, ठीक है, उसी स्टेम की वजह से ही पौधा खड़ा रहता है, ठीक है। नीचे देखिए, यहां से लेके ऊपर तक, ग्राउंड से लेके ऊपर तक, ठीक है। अब है लीव्स, ठीक है, लीव्स क्या करते हैं, द लीव्स टेक इन सनलाइट एंड यूज इट टू मेक फूड, ठीक है। तो लीव्स हैं वो क्या करते हैं, एक तो सनलाइट लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, सनलाइट लेकर मेक फूड यानी कि फूड बनाते हैं, ठीक है, भोजन बनाते हैं अपने लिए, ठीक है। पत्ते ही जो है इनका, पौधों का भोजन बनाते हैं, इनकी फूड बनाते हैं, किससे, सनलाइट से, ठीक है। जब वो सनलाइट लेते हैं फिर उनका फूड बनता है, ठीक है। सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स, जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, होते हैं ना, ये जो ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, ये पे लीव, ठीक है, और ये फ्लावर एंड स्टेम और रूट्स, ये आपको ड्रॉ करना है फाइल में, ठीक है। अब देखिए, द फ्लावर्स टर्न इंटू फ्रूट्स, उनमें फ्लावर्स होते हैं फिर वो किस में चेंज जाते हैं, फ्रूट्स में, फ्लावर्स से ही फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। विच हैव सीड्स, और जिनमें क्या होता है, सीड्स होते हैं, बीज, सीड्स मीन बीज, ओके। व्हेन द फ्रूट्स राइपन दे फॉल टू द ग्राउंड एंड द सीड्स इनसाइड देम ग्रो इंटू न्यू प्लांट्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड जर्मिनेशन। क्या होता है, जब फ्रूट जो होता है वो राइपन मीन पक जाता है, ठीक है, वो पक जाएगा तो क्या होता है, वो गिर जाता है नीचे, ठीक है, ग्राउंड में जमीन पर गिर जाता है, और उसके जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, उधर फैल जाते हैं, या फिर ठीक है गिर जाते हैं तो वो फैल जाते हैं, और उसमें से ही एक कुछ टाइम बाद एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है, उग जाते हैं, ठीक है। जो न्यू प्लांट उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जर्मिनेशन मीन्स अंकुर आने लगता है, ठीक है, बीजों से अंकुर आने लगता है। अब है ट्रीज, ठीक है, ये तो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, अब ट्रीज देखिए। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ट्रीज, ठीक है, और जो छोटे छोटे होते हैं उनको कहते हैं प्लांट, पौधे, छोटे छोटे पौधे होते हैं, पौधों से ही प्लांट बनते हैं, पौधों से ही पेड़ बनता है, ठीक है। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज लाइक नीम पीपल कोकोनट मैंगो ऑक ईटीसी, ठीक है। बिग प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज लाइक, जैसे नीम है, पीपल कोकोनट मैंगो ऑक ईटीसी, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। द ट्रीज हैव अ ह्यूज वुडन स्टेम कॉल्ड द ट्रंक, जो ट्री होता है, ये पेड़ है ना, जो ये बड़ा मोटा सा बड़ा सा ये खड़ा होता है जिस पर, इसको क्या कहते हैं, ट्रंक, ये इसका ट्रंक होता है, ठीक है, बड़ा सा होता है ना, वुडन की जो मोटी मोटी लकड़ी होती है ना, ठीक है, उसको ट्रंक कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ट्रंक इज द
हार्ड एंड थिक स्टेम ऑफ अ ट्री, एक मोटा और बहुत हार्ड होता है, सख्त, ठीक है, ट्रंक क्या होता है, बहुत मोटा और हार्ड सख्त होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको रीड करना है, ओके, और समझना भी है, ठीक है। प्लांट्स एंड ट्रीज, ओके, प्लांट जो होते हैं, पौधे छोटे होते हैं, ठीक है, उनसे ही ट्रीज बढ़ते हैं, ठीक है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो ट्री बन जाते हैं, ठीक है। आपको रीड करना है और इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट को ईबीएस की प्रोजेक्ट बुक में ड्रॉ करना है, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय।